सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन. आज 8 सितंबर 2019 एक और लर्निंग वीडियो आपके लिए, जिसमें मार्केट बियरिश हो या फिर बुलिश हो, सिर्फ बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करके कैसा पैसा बनाया जा सकता है, इस वीडियो में हम वो देखेंगे. उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस को हम यूज करेंगे और उसके थ्रू बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, फिर एसएल कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहाँ पर एग्जिट होना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. उसके लिए थोड़ा सा आपको भी टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है. अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उसके बारे में हमारा एक बेसिक वीडियो है, उसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिए, ताकि चार्ट को कैसे, प्राइस चार्ट को कैसे रीड किया जाता है वो आप समझ सके. तो टेक्निकल एनालिसिस में इस वीडियो में हम मैगडी को कैसे यूज करेंगे ये देखने वाले. आपने टाइटल में देखा ही होगा, मैगडी काफी पॉपुलर इंडिकेटर है, पूरी दुनिया में इसे यूज किया जाता है और काफी अलग अलग तरीके से लोग इसे यूज करते हैं. तो इस वीडियो में देखेंगे मैगडी को यूज करके कैसे हम बाय सेल सिग्नल, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले बैंक निफ्टी जो है वो फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड होता है या फिर ऑप्शन सेगमेंट में, तो हमें फ्यूचर सेगमेंट का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, वो हमें रीड करना पड़ेगा, इंडिकेटर्स वहाँ पर प्लॉट करने पड़ेंगे. तो देखते हैं उसके चार्ट के ऊपर चलते हैं. ये ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काइट, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का सितंबर का फ्यूचर यहाँ पर ऐड कर दिया है और ये यहाँ पर इसका चार्ट ओपन हो चुका है. यहाँ पर पॉप आउट चार्ट कर सकते हैं ताकि और जूम हो सके ये चार्ट, तो यहाँ पर पॉप आउट कर दिया मैंने चार्ट को और इस चार्ट को मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के चार्ट में हम ये अप्लाई करेंगे. फर्स्ट तो यहाँ पर इंडिकेटर ऐड कर देते हैं मैगडी. मैगडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. तो यहाँ पर मैगडी पर जैसे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये इंडिकेटर प्लॉट हो जाता है. इसका थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे. बेसिकली इस मैगडी इंडिकेटर में तीन पीरियड प्लॉट होते हैं, तीन पीरियड का मूविंग एवरेज प्लॉट होता है. एक है 12, दूसरा है 26 और तीसरा है 9. ये सिग्नल लाइन है रेड कलर में जो है, ये सिग्नल लाइन है और मैगडी का ये ब्लू लाइन है. मैगडी ये जो 12 का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसमें से ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को माइनस किया जाता है और जो आंसर आएगा अगर वो निगेटिव है तो ये हिस्टोग्राम पे ये तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट हो चुके हैं. तो अगर आंसर निगेटिव है तो ये जीरो लाइन के नीचे प्लॉट होता है और अगर आंसर पॉजिटिव है तो ये इस जीरो लाइन के ऊपर प्लॉट होते हुए हमें दिखाई देता है. तो जब भी ये ब्लू लाइन यानी मैगडी का लाइन रेड लाइन के ऊपर होता है तो ट्रेंड बुलिश है ऐसा माना जाता है, और जब भी ये मैगडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे होता है तब ट्रेंड बियरिश है ये माना जाता है. तो ये काफी लैगिंग इंडिकेटर है, तो यहाँ पर काफी बाय सेल सिग्नल्स भी आते हैं, तो एग्जैक्ट प्रॉपर एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस ऐड करेंगे ऊपर प्राइस एक्शन में. जो ये तीन पीरियड है 12, 26 और 9, ये तीन पीरियड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे और इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट करेंगे. तो इसके लिए इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर तीन मूविंग एवरेजेस में प्लॉट कर देता हूँ, अभी मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो 9 पीरियड को मैंने कलर दे दिया है ब्लू, कलर ध्यान में रखिए 9 को दे दिया है ब्लू. इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ओके कर दिया. सेकंड है 12, तो इसका पहले पीरियड चेंज कर देते हैं 12, उसके बाद इसको कलर दे देते हैं ब्लू, सॉरी रेड, इसका भी थिकनेस बढ़ा देता हूँ. और थर्ड है उसका पीरियड कर देंगे 26, इसका भी थिकनेस बढ़ा देते हैं और इसको कलर दे देते हैं ब्लैक. तो ब्लैक है 26, रेड है 12 और ब्लू है 9. तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये ज़ेरोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल है, उसके ऊपर हमने ये इंडिकेटर को प्लॉट कर दिया, मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दिया.
आपके पास अगर किसी और ब्रोकर का ट्रेडिंग टर्मिनल होगा तो सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, वहां पर भी ये इंडिकेटर्स होंगे। अगर नहीं है तो ट्रेडिंग फैब, एक छोटा सा क्विकली इंट्रो भी दे देता हूँ। ट्रेडिंग फैब भी ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा, इनका पार्टनर है, ऑथोराइज पार्टनर है। तो एक बेनिफिट भी है, अगर आप इन तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंदर अगर ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब के जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल सकती है। हम ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते हैं आपके साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इन तीनों में से कोई एक अकाउंट ओपन करना है तो सिंपली आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अपस्टॉक्स और फाइव पैसा का अकाउंट ओपनिंग है एब्सोल्युटली फ्री है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको यहाँ आपका ईमेल आईडी, कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और साइन अप कर दीजिए, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट, तो आपका एक दिन में अकाउंट जल्दी से ओपन हो जाएगा। और आपका अकाउंट ओपन होने के बाद जो क्लाइंट आईडी आपका आएगा वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो इस तरह से आप इन तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर भी ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स और फाइव पैसा में एब्सोल्युटली अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो ये एक छोटा सा क्विकली इंट्रो था, टेलीग्राम चैनल्स को भी ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज हम लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करते हैं। कैश मार्केट में हो, ऑप्शन स्टॉक हो, या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन हो, या फिर स्टॉक फ्यूचर हो, ये सब लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसका सब कुछ डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फ्यूचर का ये चार्ट है और नीचे डेट देख रहे हैं आप, 1st August 2019। तो सबसे पहले सेल का सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है ये देखते हैं। तो जब भी सेल का सिग्नल आइडेंटिफाई करना हो तब ये तीनों मूविंग एवरेज जो है 26, 12 और 9, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी पहला 26, उसके बाद 12 और उसके बाद 9, और उसके नीचे ये इंडेक्स का प्राइस ट्रेड होना चाहिए। और जब भी ऐसा फर्स्ट टाइम, अभी यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्रीवियस डे थोड़ा मेसअप था ये मूविंग एवरेज, और अब जाके 1st August को यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बन गया। तो तभी जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसा सेटअप क्रिएट होता है तो नीचे मैगडी को भी देखना है, मैगडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है या नहीं। अगर वो भी सिग्नल लाइन के नीचे है तो ट्रेंड यहाँ पर बियरिश है। जब फर्स्ट टाइम ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर क्रिएट होता है फर्स्ट टाइम, तभी ये अप्लाई हो सकता है सेल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, पहला 26 है, उसके बाद में 12 है और उसके बाद में 9 है, और उसके नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स है और मैगडी भी हमें बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस 15 मिनट के कैंडल के बाद हम यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देता हूँ, उसका अभी प्राइस चल रहा है 28,845, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेल बनेगा, ये जो 15 मिनट का कैंडल है उसका लो आ रहा है 28,845, इसके नीचे हम सेल पोजीशन बनाएंगे, इसके लो के नीचे ही बनाना है, इसके पहले नहीं बनाना है, और तभी हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। ये जो 26 पीरियड का ये मूविंग एवरेज है, अगर मैं इस कैंडल के ऊपर एक कर्सर लाता हूँ तो आप देख सकते हैं 26 पीरियड का मूविंग एवरेज अभी 29,010 के पास है, तो ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और जैसे ही ये 15 मिनट्स यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे ये मूविंग एवरेज 26 का आगे भी बढ़ता जाएगा, तो जैसे ये बढ़ेगा हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से चेंज करेंगे। हर एक 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद जो भी 26 पीरियड का मूविंग एवरेज जहाँ पर आ रहा है वो हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने सेल बनाया था 28,845, तो जब तक ये 26 पीरियड का मूविंग एवरेज, जब तक ये इंडेक्स इसको टच नहीं करता, तब तक हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और ट्रेल होते रहेगा। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो भी मेंटेन रहेगा और आपका प्रॉफिट बुक होता भी रहेगा जैसे जैसे
ये ट्रेंड, ये बैंक निफ्टी आगे बढ़ेगा टूवर्ड्स साउथ की तरफ। तो ये एक तरीका है। ये एक लॉट के साथ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर का, 20 यूनिट का एक लॉट आता है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 26 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर उस दिन करीब 3:15 के आसपास ये यहाँ पर आके टच हो रहा है। अभी जो 26 पीरियड का मूविंग एवरेज है, एग्जैक्ट उसी वैल्यू के ऊपर हमें एसएल नहीं लगाना, जस्ट 2-3 पॉइंट ऊपर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट आके टच हो रहा है, तो तभी प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देता हूँ, और तभी इसका प्राइस चल रहा है 28,709, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका है, अभी यहाँ पर हमने सिर्फ एक लॉट को किया था शॉर्ट, यानी सेल पोजीशन बनाया था। अभी नेक्स्ट अगर सेकंड तरीका होता है कि यहाँ पर अगर हम दो लॉट को शॉर्ट करते हैं यानी सेल करते हैं, तो यहाँ पर जब भी ये जो मैगडी है नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैगडी और सिग्नल लाइन का ये जो गैप है ये काफी अभी बड़ा है, तो ये छोटा छोटा नैरो होते जाता है जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है। तो ये अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ट्रेंड यहाँ से घूम रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो ये जो गैप है ये कम होते जाता है, नैरो बनते जाता है। तो ये एक सिग्नल होता है कि यहाँ से ट्रेड जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो जैसे जैसे ये अगर नैरो बनते जाएगा तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है प्रॉफिट बुकिंग का। और तभी हमारे दो लॉट जो है उसमें से एक लॉट हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जो सेल किया था वो एक दो लॉट सेल किए थे, उसमें से एक लॉट हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और एक लॉट कंटिन्यू इस सेल एसएल जो हमने 26 पीरियड के मूविंग एवरेज को पकड़ के सेल लगाया था वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया 150 पॉइंट्स का इस लेवल के पास, जहाँ पर ये गैप नैरो बनते जा रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा एक लॉट का। यानी अगर लॉस भी हुआ तो यहाँ पर कोई ज्यादा लॉस होने की गुंजाइश नहीं है सेकेंड लॉट का, क्योंकि ये भी अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया जहाँ पर ये था। तो जैसे जैसे अगर मार्केट यहाँ से और भी टूवर्ड्स मूव होता है तो हम ये एसएल इसके हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। तो एक लॉट से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और अगर ट्रेंड यहाँ से और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव होता है तो आपका ये जो दूसरा लॉट है ये आपका वो पूरा प्रॉफिट आपका कवर करता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। तो ये दो लॉट के साथ स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड करते हैं और इस मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग एसएल को ट्रेल करते हैं, तो प्राइस एक्शन में अगर आप कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को भी अगर आप फॉलो करते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा नॉलेज है, तो यहाँ पर कैंडलस्टिक में कुछ बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि ये अभी हैमर बना है, कभी डोजी कैंडलस्टिक बनता है, कभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो वहां पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं प्रॉफिट बुक करने के, या फिर इधर अब तो मूविंग एवरेज है 26 पीरियड का उसके साथ चले, या फिर मैगडी जो है इसका ये जो गैप का डिफरेंस है ये अगर नैरो होता है तो दो लॉट जो आप ट्रेड करते वक्त यूज करेंगे उसमें से एक लॉट बेच देना है और दूसरा लॉट ये कैरी करना है 26 पीरियड के मूविंग एवरेजेस के साथ। तो ये तरीका है। अभी नेक्स्ट और एक अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट है, अगर नेक्स्ट डे अगर कोई ओवरनाइट बड़ा न्यूज आता है तो हमें देखने को मिलता है कि शुरू में गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है जबरदस्त, और तभी अगर हमें सिग्नल मिलता है तभी यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि काफी वोलेटाइल मार्केट रहता है, जो गैप क्रिएट होता है वो फील होने का चांस रहता है। तो शुरू में तो 10 बजे तक अगर ऐसा गैप अप गैप डाउन ओपन हो तो वहां पर सिग्नल मिलने पर भी ट्रेड ना ले, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चलेगा। और आगे चलते देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक बार एक छोटा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स बन रहा है, पहले 9 पीरियड है उसके बाद 12 उसके बाद 26, लेकिन ये क्लियर नहीं है, यहाँ पर कन्विक्शन नहीं आ रहा। जब तक आपको कन्विक्शन ना आए, जब तक ये क्लियर ना दिखे असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, थोड़ा भी यहाँ पर मेसअप दिखे तो उस ट्रेड को लेना नहीं है, ठीक है।
तो चलते आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं आप गैप डाउन ओपन हुआ था, हालांकि यहाँ पर सिग्नल मिल रहा था हमें, लेकिन ये जो गैप है ये बाद में फील हो गया था। तो जैसे कि मैंने कहा गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। 10 बजे के बाद जब मार्केट स्टेबल होगा और उसके बाद कोई ये अपॉर्चुनिटी आती है तो ही हमें ट्रेड करना है। हमने सेल के लिए ये पोजीशन देखा था डिसेंडिंग ऑर्डर का, बाय करते वक्त सेम रिवर्ट हो जाएगा सिचुएशन, हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में ये तीनों मूविंग एवरेज चाहिए। देखते हैं आगे कहां पर फिर से हमें ये मिल सकते हैं। ये देखिए अभी यहां पर ये क्लियर पोजीशन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है 9, उसके बाद है 12 और इसके बाद है 26। अभी ये असेंडिंग ऑर्डर्स में, यानी यहाँ पर बाय पोजीशन है। नीचे मैकडी भी देखे तो सिग्नल लाइन के ऊपर है, मतलब ट्रेंड बुलिश है। तो इस ये जो 15 मिनट का कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये मार्क कर दिया, इसका भी प्राइस था 28149, ठीक है। तो अभी सपोज यहाँ पर हमने दो लॉट बाय कर लिए इस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी 28149 के ऊपर हमने दो लॉट बाय किए बैंक निफ्टी के। तो जब तक ये यहाँ पर ये जो 26 पीरियड का मूविंग एवरेज है जब तक ये टच नहीं होता तब तक हम एसएल को कैरी करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको टच हो गया, यानी जहां पर हमने बाय किया था वहां पर ही एग्जैक्ट आके इसने इसको टच किया, यानी यहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकल सकते हैं। अगर आप दो प्लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ऊपर यहाँ पर इसने बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाया था जो कि एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। तो एक लॉट आप यहाँ पर बेच सकते हैं जब ऐसा बियरिश कैंडलस्टिक आता है बाय पोजीशन बनाने के बाद, तो यहाँ पर आपका एक लॉट का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और भले आपका दूसरा लॉट जो है वो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता है तो भी आप एक लॉट के वजह से फायदे में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये थ्योरेटिकल है, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसे लाइव मार्केट में। पहले तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग में आपका अगर डिसीजन सही आता है तो आप लाइव मार्केट में इसको कोशिश करें। और एक देख लेते हैं चाहिए तो, यहाँ पर फिर से ये टर्न आउट हो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए ये फिर से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया था और फिर से यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। पहला 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 26 है, लेकिन नीचे देखे तो मैगडी अभी भी निगेटिव है, यानी मैगडी का लाइन ये सिग्नल लाइन जो है इसके नीचे है, तो यहाँ पर बाय नहीं बनता। मैगडी भी सिग्नल लाइन के ऊपर होना चाहिए और तभी असेंडिंग ऑर्डर्स में ये मूविंग एवरेज हो तभी बाय करना है। तो यहाँ पर ये फॉल सिग्नल है तो यहाँ पर हमें बाय के लिए एंटर नहीं होना है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते क्लियर पैटर्न बन चुका है, निगेटिव पैटर्न यानी सेल पोजिशन के लिए। ये पहला 26 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 9 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नीचे मैगडी भी सिग्नल लाइन के नीचे है तो ट्रेंड बियरिश है। हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, कब, ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है इसका लो जब ब्रेक करेगा, यानी यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ 27976, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस ये 26 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेल करेंगे। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर ये कम हो गया है गैप, देख सकते हैं आप। तो अगर आपने यहाँ पर दो लॉट को शॉर्ट किया है तो यहाँ पर आप एक लॉट बाय कर सकते हैं, तो आपका एक लॉट का पोजीशन यहाँ पर बंद हो जाएगा और आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे एक लॉट का। तो यहाँ पर करीब ये 27830 चल रहा है, हमने शॉर्ट किया था 27976 के पास, यानी ऑलमोस्ट फिर से 150 पॉइंट्स एक लॉट में प्रॉफिट मिल रहा है। और सेकेंड लॉट जो है वो हमारा अभी तक कैरी हो रहा है और सेकेंड लॉट यहाँ पर फिनिश होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 पीरियड का ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर ये हिट हो रहा है, तो हमारा सेकेंड लॉट का प्रॉफिट बुक यहाँ पर हो जाएगा, यानी 27922। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो 200 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो इस तरह से स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा। तो जब भी अगर कोई हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा
कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर ट्रेड एग्जिट होता है तो भी हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, सिर्फ टैक्स और जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसमें हमें पैसा डिडक्ट हो सकता है। अभी नेक्स्ट देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त रैली मिला था यहाँ पर, ये क्लियर असेंडिंग ऑर्डर्स बना था, नीचे भी मैगडी पॉजिटिव था, मैगडी सिग्नल लाइन के ऊपर था, तो यहाँ पर अगर ट्रेड लेते तो ज़बरदस्त यहाँ पर यहाँ तक हमें प्रॉफिट देखने को मिलता था। ऊपर जब ये गैप नैरो हो जाता है तभी हम एक लॉट को बेच सकते हैं, एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और सेकेंड जो लॉट है वो हम इस मूविंग एवरेज के थ्रू SL को ट्रेल कर सकते हैं, और तभी हमारा यहाँ पर ये दूसरे लॉट का प्रॉफिट बुक होगा। तो इस तरह से आप इंट्राडे भी और पोजिशनल ट्रेडिंग भी इस बैंक निफ्टी इंडेक्स में कर सकते हैं। ये इंट्राडे होगा या पोजिशनल होगा ये इन इंडिकेटर के ऊपर छोड़ दे, अगर इंट्राडे क्लोज होता है आपका ट्रेड तो इसे इंट्राडे कह सकते हैं, अगर पोजिशनल आपका नेक्स्ट डे भी कैरी होता है तो ये पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करने का एक तरीका, मैगडी का इंडिकेटर यूज करके हमने देखा। तो ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो फर्स्ट पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, कॉन्फिडेंस लाइए उसके ऊपर, बाद में लाइव मार्केट में एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस आता है तो ही दो लॉट के साथ आप ट्रेड कीजिए, और स्टॉप लॉस के साथ जरूर ट्रेड करें, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद आपको और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी इस सेटअप के बारे में। तो ये अगर वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।